फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू गाइस आर फाइन। फ्रेंड्स, हम लोग सब आना चाहते हैं, कनाडा आना चाहते हैं। हमारा ड्रीम है। हम इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स के पास जाते हैं, जो भी नोन है, अपने फ्रेंड्स वगैरह से पूछ के या गूगल पे सर्च करके, जिनकी रेटिंग्स हमें अच्छी लगती हैं या हमने देखा है ओके इनको हाई रेटिंग्स मिली हैं, या दोस्त ने रेफर किया है कि वो अच्छी हैं, या उनके थ्रू किसी का वीज़ा लग गया है, जिसकी नॉलेज, जिसकी इन्फॉर्मेशन हमें मिल गई है, तो हम वहाँ पहुँच जाते हैं, उनसे बात करते हैं कि हम इस पर्टिकुलर वीज़ा में इंटरेस्टेड हैं या हम कनाडा जाना चाहते हैं, आप हमें बता दो कि हमारे लिए कौन सा वीज़ा सही है, राइट? तो वो आपको बताते हैं, आपके एक कान से निकल रही है इन्फॉर्मेशन और एक कान में घुस रही है और दूसरे कान से निकल रही है, आपको समझ कुछ नहीं आ रहा है, बस आपको सुनने में वो सब अच्छा लग रहा है, राइट? फिर आप, मतलब आप सुनते रहते हैं, आपके एक्सप्रेशन देख के वो समझ जाते हैं कि इनको कुछ समझ नहीं आ रहा है। उसके बाद फिर आप उनसे, अगर फिर भी थोड़ा इंटेलिजेंट है, तो आप बोलते हैं कि जो भी आपने अभी कहा है ना, ये मेरे को पेपर फॉर्म पेपर में ना लिख के दे दो, तो वो आपको पेपर पे लिख के समझाते हैं। समझ फिर भी आपको कुछ नहीं आ रहा है, पर फिर भी आपको लग रहा है कि मेरे को सारी इन्फॉर्मेशन हो गई है। घर आके उस पेपर को देखते हैं और उस पेपर में जो टर्म्स लिखी हैं, अब वो इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स वो जब आपको बता रहे हैं तो वो एब्रीविएशंस वगैरह यूज करते हैं शॉर्ट फॉर्म में, जैसे PNP, आप PNP के लिए अप्लाई कर दो जी, या EE के लिए अप्लाई कर दो। अब हमें क्या पता कि EE क्या है और PNP क्या है, हमें वहां तो सुन लिया उनसे, जो उन्होंने बोला हमने सुन लिया, लेकिन घर आके हम भूल गए, ठीक है? उसके बाद उन्होंने फीस बताई कि 1,00,000 रुपए जी फीस है आपकी। अब वो फीस एक्सक्लूसिव है या इंक्लूसिव है वो हमें याद नहीं रहा, हमें बस इतना याद रह गया कि उसने बोला है एजेंट ने कि 1,00,000 रुपए देने हैं, तो 1,00,000 रुपए कौन सी बड़ी बात है, हम दे देंगे इससे, इसके बदले में अगर हमें कनाडा जाने को मिल रहा है तो क्यों नहीं। तो उसके बाद क्या होता है, 1,00,000 रुपए आप दे देते हो, कुछ दिन के बाद वो फोन करते हैं जी आईएलटीएस का आपका एग्जाम हमने बुक कर दिया, इतने पैसे और दे दो, ठीक है? उसके कुछ दिन के बाद आपकी, हमने वेस की एप्लीकेशन बना दी, आपकी डिग्रीज इवेल्युएट होनी है, डिग्रीज आप अपनी लो यूनिवर्सिटी से, ट्रांसक्रिप्ट के लिए वहां फीस दो, और उसके बाद जो है वो भेज देंगे उसके पैसे, क्योंकि हमने आपकी वेस की एप्लीकेशन भरी है, आपको फॉर्म निकाल के दिया है, इसके पैसे और दो। उसके बाद मेडिकल आपका बुक कर दिया, उसके पैसे दो। फिर पुलिस क्लियरेंस के लिए आपका बुक कर दिया, उसके लिए पैसे दो। फिर आप ये सोचते हो कि वो जो मैंने 1,00,000 रुपए दिया था, उसमें तो उन्होंने बोला था कि मेरे को बस 1,00,000 ही देने हैं, अभी मेरे से पैसे पे पैसे मांगे जा रहे हैं। उसके बाद फिर आप कहते हैं कि आपके साथ 2,00,000 का, 2.5 लाख का, 3 लाख का फ्रॉड हो गया। फ्रॉड नहीं होता है, अगर आप थोड़े से अवेयर हैं। फ्रॉड हो तो होगा, मैं ये नहीं कह रही कि फ्रॉड नहीं होता है, बहुत सारे लोग जो हैं हमारे सपनों का फायदा उठा के हमारे साथ फ्रॉड कर देते हैं, पर फ्रॉड होता किस केस में, जब हमें नॉलेज नहीं होती है, पहली बात, जब हमें नॉलेज है हमारे सामने बिखरी हुई है, फिर भी हमारा मन नहीं है उसे ग्रैब करने का, उसे पढ़ने का, समझने का, ये है दूसरी बात। सो दो तरीके से आपके साथ फ्रॉड होता है, आपको नॉलेज नहीं है, ये मैं मान नहीं सकती, आपको नॉलेज नहीं है लेकिन आपको ये पता है कि मुझे कनाडा जाना है, और दूसरी बात कि आपके पास नॉलेज है फिर भी आप इंटरेस्टेड नहीं हो। नॉलेज है का मतलब मेरा क्या है, आपके पास फोन है, फोन में इंटरनेट फैसिलिटी है, वाईफाई कनेक्शन है, आपके पास फोन भी इंटरनेट भी, आप जो चाहे वो गूगल में टाइप करके उस चीज की इंफॉर्मेशन ले सकते हो। यूट्यूब पे आप फालतू टाइम बर्बाद कर लोगे, लेकिन जो काम की चीज है वो कभी भी नहीं देखोगे, 80% लोग वो नहीं देखते हैं। और उसके बाद जैसे मैंने वीडियो बनाई है, मैं इसमें आपको सारा कुछ डिटेल में बताऊंगी, लेकिन उसके बावजूद भी वो वीडियो की हेडलाइन पढ़ ली, कुछ 2-3 मिनट देख ली, और उसके बाद, क्योंकि पूरी वीडियो नहीं देखी है, आधी सी इन्फॉर्मेशन मिल गया, उसके बाद मेरे पास वही सवाल आएंगे। टूरिस्ट वीजा की मेरी वीडियो थी, ठीक है, मैंने उसमें सारा कुछ मेंशन किया है कि वीजा कैसे अप्लाई करना है, कैसे नहीं, डेमो भी दिया है। उसके बाद भी उसी में मेरे को मैसेज आते हैं, DMs आते हैं कि टूरिस्ट वीजा कैसे अप्लाई करना है। अरे भाई, तुम देख तो लो वीडियो को, उसमें सब कुछ मेंशन है, ठीक है? तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आपके पास फोन है और इंटरनेट है, जब तक इंडिया में है भरपूर फायदा उठाइए चीप प्लान्स का, क्योंकि जब आप यहाँ पे आ जाएंगे कनाडा में, उसके बाद आपको पता चलेगा कि यहाँ पे प्लान्स कितने महंगे हैं। उसके लिए खैर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी मोबाइल एंड मोबाइल प्लान्स के ऊपर, कि फोन कैसे लेना है वगैरह वगैरह, बट अभी मैंने जो है, जो मैं अपना ही बता देती हूँ, मैंने अभी मिनिमम जो प्लान है ना इंटरनेट का, जिसमें इंटरनेट की अच्छी स्पीड मिलती है, उसका मिनिमम प्लान ले रखा मैंने, और वो भी मेरा, अगर मैं इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करूँ तो मैं 5,52,00 इतना मैं मंथली पे कर रही हूँ। अब आप देख लो, जब तक मैं इंडिया में थी मेरा जो बिल था इंटरनेट समेत, वो मेरा आता था तकरीबन 300-400, और अब मैं उसका 10-11 गुना
पे कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास ऑप्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये सब इतना महंगा है। सो गाइज, आपके पास फोन इंटरनेट है, इसका भरपूर फायदा उठाइए रिसर्च करने के लिए, ताकि आपके साथ धोखा ना हो। और अगर आपको कोई चीज नहीं पता है, जैसे आप कनाडा आना चाहते हैं पर आपको नहीं पता प्रोसीजर, तो इसी बेस इसी चीज के लिए यूट्यूब है। आप यूट्यूब पे बहुत सारी चीजें देखते हो, यूट्यूब पे कनाडा इमिग्रेशन और जो भी वीजा में आप इंटरेस्टेड है उसको टाइप करके देखो। जो जो वीडियोस हैं, आपको जो इन्फॉर्मेशनल लग रही है उनको देखो, एक बार देखो, दो बार देखो, एक वीडियो देखो, किसी दूसरे क्रिएटर की वीडियो देखो, गूगल पे पढ़ो समझो, उसके बाद किसी इमिग्रेशन कंसल्टेंट के पास जाओ। अब जो मैं आज की जो ये हमारी वीडियो है, ये है फीस से रिलेटेड। मेरे पास बहुत सारे सवाल आए थे कि हमने ये एक्स वीजा अप्लाई करना है, इसकी फीस कितनी है, या हमने एक्सप्रेस एंट्री में अपना प्रोफाइल लगाना है तो इसमें कितनी कितनी फीस पे करनी होती है। सो मैंने आज का जो वीडियो है, एक्चुअल में ये बहुत लंबा हो जाता है इसलिए मैंने इसको सेग्रीगेट कर दिया टॉपिक्स को। तो वीडियो के स्टार्टिंग में मैं बताऊंगी आपको जो कॉमन चीजें हमने करनी है कैनेडियन वीजा अप्लाई करने के लिए। उसमें जो कॉमन चीजें हैं, जैसे वैस है, आयल्स है, मेडिकल, पुलिस क्लियरेंस, पासपोर्ट आपने अप्लाई करना है, ये कॉमन चीजें हैं, हर एक वीजा में अप्लाई होती हैं, चाहे आप टूरिस्ट है, वर्क परमिट है, स्टूडेंट है, एक्सप्रेस एंट्री, परमानेंट रेजिडेंसी के लिए आ रहे हैं। सो इसमें टूरिस्ट वीजा को स्टडी परमिट की स्टडी आयल्स की जरूरत नहीं है, वैस की जरूरत नहीं है, वो मैं अलग से क्लैरिफाई कर दूंगी। ये तो हो गई कॉमन, वेस वगैरह ये जो मैंने अभी आपको बताया ये है कॉमन फीस जो आपने अप्लाई करनी है, जो सभी वीजास के ऊपर एप्लीकेबल है। टूरिस्ट वीजा डबल स्टार, वो उसके ऊपर जो एप्लीकेबल है वो मैं अलग से बता दूंगी। अच्छा, उसके बाद आ जाती है आपकी जो टेम्पररी रेजिडेंस वीजाज है उनकी क्या क्या फीस है। टेम्पररी रेजिडेंस में आपका स्टूडेंट परमिट, स्टूडेंट वीजा आता है, वर्क वीजा आता है और विजिटर वीजा आता है। और उसके बाद परमानेंट रेजिडेंसी अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें क्या फीस है। परमानेंट रेजिडेंसी में एक्सप्रेस एंट्री, पीआर, फैमिली स्पॉन्सरशिप, स्पाउस स्पॉन्सरशिप, ये सब आ जाते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो बहुत लंबी ना हो और आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने जो आज की वीडियो है उसमें मैं सिर्फ टेम्पररी रेजिडेंसी फीस के बारे में बात करूंगी, टेम्पररी रेजिडेंट वीजा फीस के बारे में। परमानेंट रेजिडेंसी वीजा फीस के बारे में मैं अलग से दूसरी वीडियो में बात करूंगी, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाओगे। सेकेंड थिंग, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। थर्ड थिंग, इतनी लंबी वीडियो कोई आजकल देखना नहीं चाहता, किसी के पास टाइम नहीं है। सो गाइज, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। वेस की फीस है 220 कनेडियन डॉलर्स, 220 कनेडियन डॉलर्स प्लस डिलीवरी फीस, एडिशनल फीस और 13% HST, ये अलग है। अब एडिशनल फीस का मतलब क्या है? एडिशनल फीस जो तो इन्होंने सेट क्राइटेरिया कर रखा है कि आपने इतनी डिग्रीज इवेल्युएट करवानी है। मान लो आपने एडिशनल कॉपी मांग ली, या आपने ये कह दिया कि इसमें मेरे को एक कॉपी एक्स्ट्रा चाहिए, वो मैंने इस इंस्टीट्यूशन में भेजनी है, वहां भेजनी है, तो उसके लिए एडिशनल फीस है। तो 220 कनेडियन डॉलर्स प्लस डिलीवरी फीस, वो अलग है। उसमें दो कैटेगरीज आ जाती है, आपने एक्सप्रेस से करवानी है, नॉर्मल डिलीवरी करवानी है अपनी क्रेडेंशियल्स की, प्लस एडिशनल फीस जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, प्लस 13% HST, ये है वेस की फीस। IELTS आपका 14,000 रुपीज, ये आपकी फीस है, चाहे आप जनरल ट्रेनिंग एग्जाम दे रहे हैं या एकेडमिक एग्जाम दे रहे हैं। सो 14,000 एज पर डाटा, एज पर सोर्सेज मैंने आपको बताया है 14,000। मेडिकल फीस कितनी है? सो मेडिकल फीस है आपकी 5,000 से लेके 9,000 के बीच में होती है, डिपेंड करता है कि आप कौन से स्टेट में हैं, कौन से डॉक्टर से करवा रहे हैं, मींस जो पैनलिस्ट है उससे करवा रहे हैं, और आपके कौन कौन से टेस्ट हो रहे हैं। सो इट वेरीज फ्रॉम 5,000 to 9,000। उसके बाद आ जाती है आपकी पासपोर्ट की फीस। अगर तो आपके पास पासपोर्ट है ऑलरेडी तो आपको बताइए कितनी फीस है। अगर आप पासपोर्ट भी अभी अप्लाई कर रहे हैं तो पासपोर्ट की फीस 1500 होती है। उसके बाद आपका पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, जो आपने लेना ही लेना होता है, तो उसकी फीस अब मैं अपनी बता देती हूँ। मैंने 500 पे की थी, अब अगर 2020 में वो चेंज हो जाएगी, मैंने पे की थी 2018 में, सो 2018 में मैंने 500 पे की थी। अब अगर चेंजेस आते हैं उसमें तो ज्यादा मैं बता नहीं सकती हूँ अभी, वो आपको वेबसाइट पे चेक करते रहना है, बट जो अभी इस टाइम पे है एज पर सोर्सेज, एज पर डाटा, वो मैंने आपको बता दी है 500 रुपीज। तो ये कॉमन फीस है, वेस, आयल्स, पीसीसी, मेडिकल एंड पासपोर्ट एप्लीकेशन फीस।
ये तो कॉमन में आ गई। अब आपकी स्टार्ट होती है टेम्पररी रेजिडेंट वीजा की फीस। अब आप ये देखिए, इसमें मैं तीन तरह की फीस आपको बताऊंगी। एक तो ये जो एप्लीकेशन फीस कितनी है, एप्लीकेशन फीस प्लस दूसरी रिस्टोरेशन फीस। अब रिस्टोरेशन मैं इस टर्म का बहुत यूज करूंगी, तो रिस्टोरेशन का मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल आप विजिटर वीजा, मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ कि फॉर एग्जाम्पल आप विजिटर वीजा लेके, 3 मंथ्स का विजिटर वीजा लेके आप कैनेडा आए हैं, तो 3 मंथ्स में ये आपका थर्ड मंथ है, मीन्स आपकी जो वीजा है वो एक्सपायर होने वाला है, तो थर्ड मंथ में आपने एक्सटेंशन के लिए अप्लाई कर दिया, ठीक है। तो आपका वीजा एक्सटेंशन के लिए आपने अप्लाई किया, 2-3 वीक्स के बाद, प्रोसेसिंग के बाद आपका एक्सटेंड होके आ गया, तो इसे तो कहेंगे एक्सटेंशन फीस। आपकी वीजा एक्सटेंड करवाया तो वीजा एक्सटेंशन फीस। अब है कि आप 3 मंथ्स के लिए आए थे विजिटर वीजा लेके, 3 मंथ्स हो चुके हैं, आप भूल गए या किसी भी वजह से आप अपना वीजा एक्सटेंड नहीं करवा पाए, तो आफ्टर 3 मंथ्स क्योंकि आपने अपना स्टेटस लूज कर दिया है कनाडा में, अब आपका कोई स्टेटस नहीं है, तो अपने विजिटर वीजा को दोबारा से एक्टिवेट करवाने के लिए, अपने स्टेटस को रिस्टोर करने के लिए आप जो फीस पे करेंगे दैट इज रिस्टोरेशन फीस। तो वो रिस्टोरेशन फीस आप पे करेंगे, प्लस क्योंकि आपका दोबारा से विजिटर वीजा जनरेट हो रहा है तो वो न्यू विजिटर वीजा की आप एप्लीकेशन फी पे करेंगे। तो ध्यान रखिएगा कि आप जिस भी वीजा पे हैं अपना वीजा प्लीज एक्सपायर ना होने दें, क्योंकि उसमें हमें 2 चीजें होती हैं, एक तो ये कि हमें ज्यादा पैसे देके उसे रिस्टोर करवाना पड़ता है स्टेटस को, दूसरा आपको टेंशन बहुत हो जाती है, तो इस बात का आप ध्यान रखें। अब स्टडी परमिट इंक्लूडिंग एक्सटेंशन आप पे करते हैं $150 पर पर्सन। अगर वहीं पे आपका स्टडी परमिट एक्सपायर हो गया है तो आप रिस्टोरेशन फीस पे करते हैं $350। सेकेंड नंबर पे आता है आपका, अगर तो आप ना स्टडी वीजा, ना विजिटर वीजा, ना वर्क परमिट, इसमें से कुछ भी अप्लाई नहीं कर रहे हैं, टेम्पररी रेजिडेंट परमिट ले रहे हैं आप, तो टेम्पररी रेजिडेंट परमिट फीस है $200 पर पर्सन। थर्ड नंबर पे विजिटर वीजा इंक्लूडिंग सुपर वीजा, तो विजिटर वीजा इंक्लूडिंग सुपर वीजा आप पे कर रहे हैं $100 पर पर्सन। तो सुपर वीजा मैं बता दूं जिन लोगों को नहीं पता, सुपर वीजा जब हम यहाँ पे आ गए हैं, हमें PR स्टेटस मिल गया है, तो इंडिविजुअल जब अपने पेरेंट्स को या ग्रैंड पेरेंट्स को यहाँ कनाडा बुलाता है, इनवाइट करता है, स्पॉन्सर करता है, तो वो सुपर वीजा पे आते हैं। सुपर वीजा इज ओनली फॉर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स। तो विजिटर वीजा इंक्लूडिंग सुपर वीजा $100 पर पर्सन। विजिटर वीजा अगर हम एक फी पे करते हैं, मान लीजिए कि आपकी बड़ी फैमिली है, आपके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ठीक है, ये आ रहे हैं, और ये जो लोग हैं और एक विजिटर भी साथ में आ रहा है, मान लीजिए आपके मम्मी पापा दादा दादी और नाना जी भी आ गए, तो ये 5 पीपल, नाना नानी 6 लोग हो गए अब, तो 5 पीपल और मोर, इनके लिए आप अगर एक ही टाइम में इनकी एप्लीकेशन लगाते हैं और एक फी पे करते हैं तो आपको $500 पे करनी होती है, राइट। तो $500 में आप एक्चुअल में 6 लोगों की विजिटर वीजा फी पे कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे एक बेनिफिट है जो आपको पता होना चाहिए, आपका पूरा राइट है ये पता होने का। उसके बाद विजिटर वीजा को अगर आप एक्सटेंड करवाते हैं तो इसकी एक्सटेंशन फी है $100। वहीं पे अगर आप विजिटर वीजा को रिस्टोर करवाते हैं तो उसकी है $200। थर्ड नंबर पे आ जाता है वर्क परमिट। वर्क परमिट इंक्लूडिंग एक्सटेंशन जब आप पे करते हैं तो वो है $155। वर्क परमिट अगर आप 3 या 3 से ज्यादा के परफॉर्मिंग आर्टिस्ट के ग्रुप के लिए अगर आप पे कर रहे हैं, मान लीजिए आप परफॉर्मिंग आर्टिस्ट हैं, आपके म्यूजिशियन हैं या पेंटर हैं या कोई भी परफॉर्मिंग आर्टिस्ट हैं, डांसर्स हैं, और आप किसी कॉन्टेस्ट के लिए, किसी फंक्शन के लिए कनाडा आ रहे हैं, तो आप काम करने ही आ रहे हैं ना, आप अर्न करेंगे तो आपको वर्क परमिट अप्लाई करनी पड़ेगी। तो अगर परफॉर्मिंग आर्टिस्ट हैं आप और परफॉर्मिंग आर्टिस्ट आप अपनी आर्ट परफॉर्म करने आ रहे हैं, चाहे आप पेंटर हैं, डांसर हैं, म्यूजिशियंस हैं, आप कोई भी हैं, ओपन वर्क परमिट होल्डर्स जो ओपन वर्क परमिट अप्लाई करते हैं उनकी फीस है $100। तो अगर आपका वर्क परमिट एक्सपायर हो गया है एंड आप अपना स्टेटस एज अ वर्कर रिस्टोर करवा रहे हैं तो इसकी फीस है $355। ये सारी ये 3 वीजा स्पेसिफिकली मैंने कवर करने थे, टेम्पररी रेजिडेंट वीजाज में यही आते हैं और इनकी फीस मैंने अलग अलग से आपको बता दी है, तो अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बायोमेट्रिक की फीस इसमें मैंने कवर नहीं किया है, बायोमेट्रिक की फीस जो है $85 to $100 के बीच में होती है पर पर्सन, तो ये ज्यादा नहीं होती है। अगली वीडियो में मैं बात करूँ, ये थी फीस टेम्पररी रेजिडेंट वीजा
की जो उसमें जो कैटेगरीज हैं, स्टूडेंट वीजा, वर्क वीजा एंड विजिटर वीजा, तो ये सारी उनकी फीस थी। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है, आई थिंक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए क्योंकि मैंने बहुत क्लियरली एक्सप्लेन किया है, प्लस पिक्चर्स यूज की हैं उसे क्लियरिफाई करने के लिए। बट स्टिल इफ यू हैव डाउट देन यू कैन आस्क मी कॉमेंट करके, डीएम करके, ईमेल, टेलीग्राम, आप बहुत सारे सोर्सेज हैं, टेक्नोलॉजी का जमाना है तो आप कैसे भी पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये मेरी वीडियो यूजफुल लगी है तो प्लीज लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड मेरी नेक्स्ट वीडियो का वेट करें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, कीप वॉचिंग कनाडा लाइफ।